अक्सर लोग कहते हैं रेहान फूल को कहते हैं, लेकिन रेहान फूल से भी ज्यादा अच्छा लफ्ज है। फूल तो खुशबूदार भी होता है, बगैर बू के भी होता है, और बास फूल तो बदबूदार भी होते हैं, लेकिन रेहान सिर्फ ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें खुशबू ही खुशबू। यहां तक कि घास फूस पत्ते हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू हो उसको रेहान कहते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने नवासों का, इमाम हसन और इमाम हुसैन का जब तस्करा फरमाया तो जहर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया। अरबी में फूल को जहर कहते ना, आपने फरमाया हुमा रेहानत मिनत दुनिया, ये नहीं फरमाया कि वो दुनिया में मेरे दो फूल हैं। हम उर्दू में तर्जुमा ऐसी कर देते हैं मेरे दो फूल हैं, लेकिन फूल मुनासिब रेहान का लफ्ज नहीं है। अगर फूल का लफ्ज इस्तेमाल करना है तो मैं कहता हूं कि खुशबूदार के साथ इस्तेमाल करो, वो दुनिया में मेरे दो खुशबूदार फूल हैं, क्योंकि बगैर खुशबू के फूल भी तो होते ना, क्योंकि रेहान का जो लफ्ज है वो खुशबू से इबारत है।